हेलो गाइस, दिस इज आमिर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर द फूडी ट्रैवलर। क्या आप अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन आजकल के महंगाई के दौर से अपना डर रहे कहाँ जाना, महंगी हो जाती जगह बल्कि, तो टेंशन न खोलो। मेदीपट्टनम पे एक नई जगह आई जिसका नाम है चायोप्स। इस जगह की ये खासियत है कि बहुत ही सिंपल स्वीट सी जगह है जहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ें मिलते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, आपको मॉकटेल्स मिलते हैं, मिल्क शेक्स मिलते हैं, हर चीज़ मिलते हैं और क्वाइट रीजनेबल प्राइसिंग है। सुकून की जगह है, देख सकते हैं अपना एम्बियंस बहुत ही कूल और यूनिक एम्बियंस है, बहुत फ्रेंडली इनका यहाँ स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है। सो आ जाओ यहाँ पे मेदीपट्टनम मेन रोड पे, चाय ऑफ इसका नाम है। यहाँ का कुल्लट पिज़्ज़ा बहुत फेमस है। सो पूरे वीडियो में देखो, आप लोग मालूम होता है क्या क्या आइटम्स है, कैसा बना रहे, क्या है, आपको पूरा बोलता हूँ। सो स्टे ट्यून एंड एंजॉय द वीडियो। तो यही है वो प्लेस जिसके बारे में बोल रहा था, बहुत ही कूल सा प्लेस है। गुलदस्ता बिरयानी के बाजू ये है, आउटडोर सीटिंग है, ये क्या कूल सा सीटिंग है। देखो बाहर आराम से आके 10-12 दोस्तों मिलकर बैठ सकते हैं शाम के टाइम पे, और ये है इंडोर सीटिंग। तो प्लेस हमेशा फुल रहता क्योंकि फूड इतना ज़बरदस्त है, बड़ी कूल सा छोटा सा प्लेस है और ऐनक दिखाना ज़बरदस्त। और ये पुराने ज़माने में कॉफ़ी का मशीन आता था, देखो मशीन से सुल क्या होता था, वो मशीन है, इसमें कॉफ़ी बनता और एम्बियंस ओपन किचन है, सब आपके सामने बनता। तो शुरू करेंगे पिज़्ज़ा के साथ। तो पिज़्ज़ा कैसा बना रहे आपके सामने बताता हूँ आप लोगों को। सो बहुत ही कूल सा मेकिंग है ये पिज़्ज़ा का, बहुत अच्छा और हाइजेनिक तरीके से बनाते सब चीज़ें। इन देखो आप लोग जो सॉसेज यूज़ करते हैं, जो वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, हर चीज़ फ्रेश एंड फ्रेश है। सो अगर आप लोग पिज़्ज़ा कैसा बनाते देखना चाह रहे इसमें देख सकते, नहीं देखना चाह रहे तो फॉरवर्ड कर सकते वीडियो को, क्योंकि इसमें पिज़्ज़ा मेकिंग का वीडियो है। सो ज़बरदस्त सॉसेज ये वो मिला के ज़बरदस्त बनाते हैं लोग, क्या सॉलिड दिख रहा है को सॉसेज पूरा खाली, छुरी चाट लेना दिल बोल रहा है मैं देख के, उतना कूल दिख रहा एकदम। देखो परफेक्टली बनाते हैं, नीट क्लीन और हाइजेनिक। अब उन्हें ग्लव्स से को नहीं कहा ना, नको पूछो कहीं को बोल तो क्या है, बोल तो अब ग्लव्स कैच पक जाता बोल के, लेकिन हाथा सैनिटाइज करके बनाए लो, मेरे सामने सैनिटाइज करें क्योंकि वो पिज़्ज़ा मैच खाया। और बेहतरीन चिकन और चीज़ के टॉपिंग के साथ रेडी है अपना पिज़्ज़ा, खाली इसको अवन में डालने का है। तो इनका खुद का अवन है, सो अवन में डाल के बनाते ज़बरदस्त पिज़्ज़ा गरम गरम अवन के अंदर, क्या सॉलिड। तो शुरू करेंगे, आ गया पहला आइटम जो है चिकन बारबेक्यू पिज़्ज़ा चीज़। देखो कितना दिल खोल के डाल लूँगा, आजकल महंगाई के दौर पर लोग हर चीज़ कम कर दे रहे, चीज़ कम कर दे रहे, चिकन कम कर दे रहे, लेकिन हर चीज़ दिल खोल के बनाई। देखे ना पिज़्ज़ा मेकिंग कितना ज़बरदस्त, हमें किचन में अंदर आके दे रहे, वीडियो बनाने दे रहे, सो बहुत बड़ी बात है ये। तो टेस्ट करेंगे पिज़्ज़ा को, तो ऑलरेडी एक बाइट ले लिया था मैं, लेकिन फिर से एक बार स्लाइस लेंगे आपके लिए। सो चीज़ फुल के साथ, बेहतरीन पिज़्ज़ा है, सॉफ्ट बेस है, चीज़ चिकन सॉसेस के साथ मज़ा आ रहा खाने में। इसका प्राइस है 200 रुपीज़, क्वाइट रीजनेबल है और सर्विस बहुत फास्ट है, ऑर्डर करते 5-6 मिनट में आपको पिज़्ज़ा मिल जाता। सुकून से बैठो आके, घंटे घंटे हकाल देना आपको यहाँ, जल्दी जाओ बोल के, क्या ऑर्डर करें भी नहीं पूछते, बहुत फ्रेंडली स्टाफ है यहाँ पे। तो अतापुर पे है ये पिलान नंबर 121 के सामने, आ जाओ यहाँ पे, एंजॉय करो फूड, गर्लफ्रेंड के साथ आओ, दोस्तों के साथ आओ, रात को भी खुला आई है, तो बाहर का सीटिंग भी है, अंदर का सीटिंग, दोनों सीटिंग है, आप लोग जहाँ आना बैठ सकते। सो आगे क्या आइटम से देखेंगे और आप देखेंगे कैसा बनता कुल्लट पिज़्ज़ा। कुल्लट पिज़्ज़ा इसके बारे में आपको मेंशन करा, सो उसका मेकिंग है ये। सो पहले सब्ज़ी बना देते हैं लोग, कैप्सिकम, चिकन, ऑनियंस, जो भी आपको डालना चाहिए डाल सकते हैं आप लोग। उसके ऊपर आते सॉसेस, सो मैग्रेटा सॉस है ये। अब नेक्स्ट है मायोनीज, फिर आता चीज़। तो हर चीज़ आपके सामने बनाते हैं लोग, ऐसा नहीं है कोई छुपा के ला के बनाते नहीं, हर चीज़ सामने। तो ये कुल्लट, कुल्लट को पहले बटरिंग कर देते हैं लोग ताकि चिपकना नहीं, उसके अंदर थोड़ा डालते सॉसेस, क्या कि नीचे पोच पोच के खाते ना लोग, तो सॉस ज़बरदस्त आना बोल के उसके अंदर डालते ब्रेड के टुकड़े, फिर उसके अंदर डालते जो बनाए थे चिकन और वेजिटेबल का मिक्स, फिर थोड़ा चीज़ ताकि चीज़ पुलाना, और फिर इसके ऊपर सॉस, चीज़, हर चीज़ डाल के ज़बरदस्त बनता है ये आइटम। तो आज तक मैंने खाया, दिखने में छोटा है लेकिन आप लोग खाली बोलते पेट भर जाता, एक से तो पेट नहीं भरता, आप लोग दो खाते के तो उतना ज़बरदस्त रहता ये, फुल भर के डाल के देते ऐसा खींचता, तो चीज़ पुलाना वैसा बनाते। देखो चीज़, देखो उतना दिल खोल के डाल रहे, और चीज़ हर चीज़ बहुत बेस्ट क्वालिटी यूज़ करते हैं लोग, ऑयल भी गोल्ड ड्रॉप का यूज़ करते हैं, कोई सस्ता चीज़ यूज़ नहीं करते, गोइंग की खासियत। सो बन गया, बस थोड़ा ऊपर से मसाले डाल लेके इसको ओवन में डाल देना बस, और थोड़ी देर में बन जाता अपना, रेडी हो गया है कुल्लट पिज़्ज़ा, क्या दिखने में क्या ज़बरदस्त है। देखो बाह देखे तो मुंह में पानी आ रहा। अब आ गया अपना नया आइटम जो है कुल्लट पिज़्ज़ा। कुल्लट पिज़्ज़ा आज तक आप लोगों का भी खाए होंगे, कुल्लट में हम लोग चाय पिए होंगे, पानी पिए होंगे, कुल्लट वाला पिज़्ज़ा खाए यहाँ मिलता। तो कुल्लट वाला पिज़्ज़ा यहाँ का स्पेशलिटी है, जो कुल्लट में बनाते पिज़्ज़ा अंदर चीज़, अंदर आपको चिकन, हर चीज़ टफ होकर रहता। सो साथ में मॉकटेल भी अपने करें स्वीट लैम थोड़ा, तो अब खींच के देखेंगे इसको खाली। और चीज़ जो आता था देखो आप लोग, जो असली चीज़ है इसको बोलते असली चीज़। सो गरम है ये खाने के लिए, सोच रहा हूँ मैं, सो खाएंगे अब।
जबरदस्त बोले जबरदस्त है, मजा आ रहा खाने में, अंदर ब्रेड है, सब है, सो यूनिक आइटम है। आप लोग थिन क्रस्ट, फैट क्रस्ट, चीज बस सब चीज़ खाएंगे। कूलर वाला पिज्जा खाने के लिए आ जाओ नो ये जगह पे, क्योंकि ये जगह की खासियत है गर्म है, मुँह से बात नहीं आ रही क्योंकि गर्म गर्म अभी अवन से निकाले इन लोगों, सो बहुत बेहतरीन आइटम है ये। कुछ भी नहीं तो नहीं, यहाँ की आइटम ट्राई करो आप लोग। आप तक हम लोग खाली कुरकुरे चिप्स में खाए होंगे, कभी कुरकुरे मोमोज खाए, यहाँ मिलता कुरकुरे मोमोज। सो छः पीस आते, एक खा लिया हमें पहले, सो छः पीस कुरकुरे मोमोज आते, सो खाएंगे। चिकन का ख़त्म हो गया तो वेज का रूम है, एकदम डिलीशियस मोमोज है ये, साथ ही मयोनीज है और एकदम क्रिस्पी और यम्मी है, क्रिस्पी और ज़बरदस्त है मोमोज, एकदम अलग ही फ्लेवर आ रहा कुरकुरे का, सो कुरकुरे से और स्पाइसी हो जा रहा। और साथ में ओरियो शेक, खाली सही था ग्लास देखो कितना ज़बरदस्त है, ऊपर ओरियो बिस्किट भी डाल के दिए, अब पियेंगे ये, ज़बरदस्त थिक शेक है ये, तो परफेक्ट है दोनों का कॉम्बो। आगे बोलते हो गर्लफ्रेंड को मोमोज और ये ले लिए, बोलते दोनों वन बाई टू खा लेते, दो 300 में आपका खर्चा हो जाता, गर्लफ्रेंड खुश आप खुश और टाइम भी निकल जाता। खाली है सो खाली है, यहाँ पार्सल सिस्टम भी है, सो एक बर्गर लिए पार्सल के लिए, तो खाली बताएंगे सोचा आपको। सो कुछ इस तरीके से रहता बर्गर इनका, सो पैटिस के ज़माने में लोग पूरे फ्रोजन पैटिस डाल रहे हैं, इन लोग आपको खुला चिकन डाल रहे हैं, साथ में चीज़ मायोनीज सब चीज़ें डाल के, बहुत रिच बर्गर है ये। ये बर्गर का प्राइसिंग है लगभग 150 रुपीज़, दो जने खा सकते हैं, बहुत रिच बर्गर है और परफेक्ट पैकिंग, बस घर को जाके खोल के खाना है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, यू नो यू कैन एंजॉय दिस प्लेस, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं, आके एंजॉय करो, बैठो खाओ करो, लेकिन कुछ दूसरे गलत काम ना करो यहाँ पे। सो बहुत फ्रेंडली है, हलाल है, क्योंकि मुस्लिम ओनर है इसके। सो अतापुर 121 पिलर के सामने छह ये जगह पे पार्किंग भी है, सब है, कार में भी आके पार्क कर सकते हैं आप यहाँ। सो आओ यहाँ का कुलट पिज्ज़ा ज़रूर ट्राई करो आप लोग, और बाकी पूरे डिशेज भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। सो मेरा नाम लो, डिस्काउंट भी देते, स्पेशली बनाते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को वायरल करो।